हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैं जा रही हूँ जामुन का शरबत बनाने के लिए। सोचा कि दिखा दूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये मैंने मंगवाया था जामुन। ये काला कलूटा फल है, लेकिन ये जो है विटामिन सी और आयरन से भरपूर होता है, और ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ में तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इसको जो है सबसे पहले मैंने इसको धो लिया है, और धो करके इसको प्लेट में ले रही हूँ। तो इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये जो है लू लगने से, हीट स्ट्रोक से ही बचाता है। तो मैंने ये धो लिया इसको, और धोने के बाद इसको काट करके इसका गुदा अलग कर लिया है, और इसके बीच की जो गुठली है, गुठली को निकाल के अलग कर लिए। गुठली का ही फ़ायदा है, लेकिन गुठली मैं भी कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, गुठली फेंक दूँगी। चाकू से काट के इसका गुद्दा निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ जामुन शॉर्ट। देखिए, उसके लिए मिक्सी में ये जामुन डाल देना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक, बस स्वादानुसार थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें मिक्स करके इसको पीस लूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसको पीस लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूँगी। इसका कलर कितना सुंदर आया है। अब मैं लूँगी एक छोटा सा गिलास, और उसमें जो है ये इसके किनारों पे नींबू का रस लगा लूँगी, और फिर इसको जो है नींबू का रस लगा करके नमक और लाल मिर्च के पाउडर में इसके लगा लूँगी, और ये उसे मैं ढाल दूँगी। वाह, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसे मैं बर्फ। और देखिए, ये जो है जामुन का शॉट हो गया है तैयार, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और इसी जामुन से अब मैं बनाने जा रही हूँ जामुन का शरबत। तो सेम उसी प्रोसेस से मैंने फिर से जामुन को पीस लिया है। इस बार चूँकि शरबत बनेगा, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है, तो मैं इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मिक्स कर दूँगी। और टेस्ट बढ़ाने के लिए काला नमक और चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, और थोड़ी चीनी भी। तो इसमें मैंने डाला चीनी, नमक, काला नमक और चाट मसाला। अब मैं इसको छान ले रही हूँ। कितना सुंदर बैंगनी कलर का शरबत हो गया है तैयार। ये देखिए, इसको मैंने छान लिया है। अब ये टेस्टी सा, सुंदर सा जामुन का शरबत बन के हो गया है तैयार। ये लू का असर को ख़त्म करता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हाँ, इसको सुबह सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इसको खाने से पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए इसमें इतनी अच्छी तासीर होती है कि इसको खाने से लीवर में ही फ़ायदा पहुँचाता है, और ये सारा बाल तेल कुछ भी पेट में जाता है तो उसको गला के ये ख़त्म कर देता है। तो ये मैंने देखिए ये बना दिया है मैंने आपको जामुन शॉर्ट, और ये है जामुन का शरबत। तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको बना के खाइएगा, पीजिएगा। चाहे तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पुदीना था नहीं, तो मैंने पुदीना नहीं डाला है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये है मेरा जामुन शॉट।